नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत कर महंगा डबल मर्डर घटना रे आज सरुची कोर्ट का कंठ कोर्ट का निर्देश थिला जे 29 तारीख सुधा समस्त रिपोर्ट बा तथ्य सब पुलिस को निर्देश देते कोर्ट जे हस्तांतर करने कोर्ट रे किंतु वर्तमान सुधा जहां आम पाखे सूचना रही एपर्यंत पुलिस JMFC कोर्ट रे एपर्यंत कौनसी तथ्य प्रमाण हासिल करना या पूर्व जितेबले कोर्ट सुनानी करिबार थिला सेतबेले मध्य कोर्टर निर्देश को अवमानना करा जायथिला मनमानी करथिला पुलिस महंगा पुलिस कारण CDR रिपोर्ट को दाखल करनथिले। एठी प्रश्न उठुची जे जेतबेले पूर्वरु पुलिस मध्य कोर्ट को ये कथा कहि सारिथिले जे 12 नंबर हिसाब रे जतेक अभियुक्त अछंती समस्तंकर CDR रेकॉर्ड करा जाय सारिछि एवं यतिरु पूरा स्पष्ट होइथिला जे माने केही हत्याकांड रे संपृक्ति नाहंती केवल कोर्ट कहिथिले जे जेउ कथा जा पूर्वर CDR आपण जो रेकर्ड कर CDR रो तथ्य को कोर्ट रे पेश करने कोर्ट रे ताकु सब तथ्य प्रमाण को देवाई किंतु आज पर्यंत से तथ्य प्रमाण को पुलिस देना या भितर कोर्ट को निर्देश रे मध्य दुई मास समय बीती गला कारण कोर्ट पुणि थे निर्देश देते पुनः तदंत कर CDR रिपोर्ट दाखल करूँ आज पर्यंत दि जाए ना कि आज हूँ 29 तारीख मान आज सुधा कोर्ट निर्देश था जो पुलिस सबू CDR रिपोर्ट एवं तथ्य संग्रह सहित संरक्षण ये सब कुछ पुलिस आज कोर्ट को पाखरे रखिब किंतु एपर्यंत सुधा पुलिस प्रशासन कौन प्रकार तथ्य व रिपोर्ट वर्तमान सुधा कोर्ट रे डिपोजिट करना एने आलोचना करिबा न्यूज रूम रे आउ कथा आसुची जे जो पूर्वतन व पूर्व निर्देश अनुसार मोबाइल फोन तथ्य कथा कहला जो संरक्षण संग्रह कथा कहला पुलिस या भितर अनेक गुड़िया बाहाना देखाई जे तथ्य गुड़िक वर्तमान मिलूनी एवं ये सब बाबद जितेबाला कथा आसूची जे पूर्वर पुलिस क्यों तथ्य आधार में ताल कही जे 12 जन जाक कहीं अभियुक्त नुहंती चार्जसीट रु 13 नंबर अभियुक्त प्रताप जेना ना को काटि जदि एम सचोट जदि पुलिस सठिक भाव CDR रेकर्ड कर आज पर्यंत कहीं देनी असुविधा के वास्तविक पुलिस पाखे CDR रिपोर्ट अच्छी ना ना ये हूँ एक नंबर प्रश्न दुई नंबर कथा हूँ जदि पुलिस पाखे CDR रिपोर्ट अच्छी ताहले पुलिस कहीं कोर्ट को हस्तांतर करूनी कारण कोर्ट को हस्तांतर करने बोध हुए सब सत सामना को आसीजीव जेहेतु मंत्री प्रताप जेना आईन मंत्री अच्छा असल मुखा धरा पड़ज बोध हुए से आज पर्यंत CDR रिपोर्ट पुलिस दाखल करूना ये हूँ दुई नंबर अभियोग आसूम या भितर कथा जे पुलिस वर्तमान मंत्री चापरे काम करोपाई कि पुलिस सत लुचाईवाई चेष्टा करण गत वर्ष ठीक जनवरी 2 तारीख में जो भाई भाव में BJP दुई नेता निर्मम भाव हत्या करा ये सारा राज्यवासी देखी एथपाई विरोधी माने प्रतिवाद कले 7 दिन भितर केमती अरेस्ट कर प्रतिवाद कले विक्षोभ कले दावी कले DG नहीं कि पुलिस DG कही से तो 21 दिन समय मागि 21 दिन भितर से अभियुक्त पाखे पहुँचे अभियुक्त को गिरफ्त करेंगे किंतु वर्षे हो किसी दिन पर आज पर्यंत अभियुक्त पाखे पुलिस पहुँची पारा ना जो मान अभियोग आसुची खासकर मंत्री प्रताप जेना ना जितेबले FIR अच्छी 13 नंबर अभियुक्त हिसाब से ना को चार्जसीट रु कटा जाइला कौटि ना कौटि ये आहरी अधिक संदेह बढ़ाला जो मंत्री संपृक्ति रही जो कि मंत्री को घंट गड़ा जाए बाबद आलोचना करवा रोशन जोड़ी होती आम सहित आम प्रतिनिधि रोशन पुलिस केत सुधा सबकि तथ्य रिपोर्ट दाखल कर देखो चिन्मय आज 29 तारीख आज शेष तारीख रही जहाँ कोर्ट कर निर्देश रही है मान्यवर कोर्ट कर जे 29 तारीख रे पुलिस को जो अप टू डेट जहाँ तदंत हो से रिपोर्ट एवं ता सहित जो तीन जनकर मोबाइल CDR रिपोर्ट दुईट जाक को दाखल करने कई तेणु हुए तो आशा कर आज अपराह अर्थात 3टा बेले पाखापाखि पुलिस डिपोजिट करें CDR रिपोर्ट एवं जो केस डायरी अप टू डेट केस डायरी तेणु अपेक्षा रास्तव में पुलिस
आज डिपोजिट करा पुणी कौन आड़ देखु कारण आप जानते जे पूर्व जिते नवंबर 18 तारीख में पुलिस को कोर्ट निर्देश देते नवंबर 25 तारीख में पुलिस जो महांगा डबल मर्डर घटनार केस डायरी अप टू डेट केस डायरी और सहित सीडीआर रिपोर्ट मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट विशेषकर यह घटनार मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल जहां पर दुर्घटना जनित मृत्यु भी कहुला कितु विरोधी अभोग करते केउठिना केउठी ताकु षडयंत्र करी हत्या कराई बोली जे ए पूरा घटनार मास्टरमाइंड एवं मुख्य अभियुक्त थिला तार सीडीआर रिपोर्ट सहित जे ब्लॉक चेयरमैन एठाकर अछंती शरत नायक एवं ता सहित जे मंत्री प्रताप जेनांकर पी अछंती बापी विश्वाल ए तीन जणकर मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट दाखल करिया पई पुलिस पुलिस को कोर्ट निर्देश देथिले केउठिना केउठी पूर्वरु आपण जेतेबेले जानिथिबे जे अगस्ट 16 तारिख रे जो समय रे जे कुलमणि बराल कर पुआ रमाकांत बराल गोटे प्रोटेस्ट पिटिशन कोर्ट रे दाखल करते जे पुलिस जो भाव में सीडीआर रिपोर्ट को अनुध्यान करी मंत्री प्रताप जेना ना को चार्जसीट रु काटि दि जाए कहूँ तो सीडीआर रिपोर्ट को ठीक भाव में तदंत करा जाए ना जो सब प्रमाण गुड़ को पुलिस आधार में तदंत करने कथा से सब प्रमाण गुड़ को पुलिस ठीक भाव में टेक्निक भाव में जांच करनाई कोर्ट केउठिना केउठी अनुभव करते ये घटन पूरा घटन महांगा डबल मर्डर घटन पुलिस काम ठीक से करनी जो भाव में तदंत हवा कथा तदंत ठीक भाव में जहाँ पर 25 तारीख में अगस्ट 25 तारीख में पुलिस को कोर्ट पुणी थे पूरा घटनार पुनः तदंत निर्देश देते जो थे स्पष्ट बारी हो जाता जो पुलिस ठीक भाव में तदंत करना केउठी चापर बशवर्ती पुलिस कम करतापर जो भाव में दुई दुई थर कोर्ट का डायरेक्शन आसला गोटे हूँ आप जिते देखिथे नवंबर 18 तारीख में रमाकांत बराल जिते कोर्ट को अपील कले जो सीडीआर रिपोर्ट पुलिस सीडीआर जांच कर ये सठिक भाव में होना एवं सीडीआर रिपोर्ट को नहीं मंत्री प्रताप जेना ना को कटा जाइला ये 12 जन सीडीआर जांच करा जाइला कहुत किंतु से ही जांच रिपोर्ट को दाखल करने ये समय कहीं नौ पुलिस देखो तो निश्चित भाव में वर्तमान कोर्ट जहां निर्देश देते तीन जनकर सीडीआर रिपोर्ट दाखल करने निर्देश देते गोटे हूँ मंत्री प्रताप जेनाकर पीए बापी विश्वाल अन्य जन हूँ बाहांगार जी ब्लॉक चेयरमैन अच्छा शरत नायक ता सहित अन्य जी हूँ प्रफुल्ल विश्वाल जी ए पूरा हत्याकांड घटनार मुख्य अभियुक्त कारण देखु प्रफुल्ल विश्वाल गोटे सन्देहजनक भाव में मृत्यु होता रास्ता कड़े एनएच कड़े तार डेडबडी मिलता जितेबाला से यही घटन फेरार था पुलिस गिरफ्त कर पारा से कहगला जक्सी एक्सीडेंटल डेथ बोली पुलिस कहिला किंतु केउठिना केउठी जो भाव में पॉकेट रु मोबाइल न मिलवा किंतु ता पूर्व दिन मृत्यु पूर्वरु से रमाकांत बराल को फोन करी ता जीवन प्रति विपद थिबा कथा कहिबा जदि से टाइम रे मोबाइल थिला ता मृत्यु समय रे मोबाइल कुआडे गला ए सब घटना को नै सेतले प्रश्न उठिला एवं रमाकांत बराल एवं विरोधी जे माने रहिछंती से या दाबी करथिले जे केउठिना केउठी पूरा घटना को चपेई देबा पई ताकू हत्या करा जाइछि ता पाखरे होय त किछि स्ट्रांग एविडेंस थिला जहां को नै अनेक विशिष्ट लोक विशेष करी जो मंत्री प्रताप जेनाकर ना ए घटना रे सामना को आसी एवं तांको ना रे मध्य एफआईआर हिची तांको ना हुए तो सामना को आस्तांता जहां को नहीं कि ताकु हत्या करा जाइछि बोली अभियोग हला तेनो अन्य पटे आपण जदि देखिबे 2018 मसिया रे मध्य एठी विकास जेना नामक जणकर हत्याकांड हेतला से हत्याकांड घटना रे मध्य प्रफुल्ल विश्वाल मुख्य अक्यूज थिला किंतु ता परे से घटना रे अन्य अभियुक्त मानको गिरफ करा जाइतला किंतु प्रफुल्ल विश्वाल को गिरफ करा जाइतला जेतेबेले कि विरोधी अभियोग करचंती जे प्रफुल्ल विश्वाल को पुलिस गिरफ न करबा परे प्रफुल्ल विश्वाल मंत्री प्रताप जेना एवं तांको पीए सहित बराबर संपर्क रही था से सहित विभिन्न कार्यक्रम में बुलाबूली करूला तेणु जहां जे रमाकांत बराल कोर्ट में जहां अपील करते जे ये तीन जनकर जदि सीडीआर रिपोर्ट ठीक भाव में जांच हुए और सीडीआर रिपोर्टर तथ्य सामना को आसे हुए तो एक स्पष्ट हो मंत्री किंवा मंत्री पीए सहित अभियुक्त जे प्रफुल्ल विश्वाल सी संपर्क थिला ना नथिला किंतु पुलिस जो भाव में डिले कर घटना आपण देखु प्रथम तदंत ठीक भाव में होनी पुलिस कोर्ट प्रश्न उठाइले एवं पुलिस को सानी तदंत निर्देश देले तापर वर्तमान आपण देखु जो तारीख रे सीडीआर रिपोर्ट एवं अप टू डेट केस फाइल को दाखल करने पुलिस को कोर्ट निर्देश देते पुलिस से तारीख रे डिपोजिट कर पारानी अर्थात जदि पूर्वर जितेबाला पुलिस कही आम सीडीआर रिपोर्ट को अनुध्यान कर मंत्री ना को काटि चार्जसीट रु जदि पाखे सीडीआर रिपोर्ट अच्छी से कोर्ट में दाखल कर पार ना कहीं तेणु ताकू प्रश्न उठी आज जिते शेष तारीख रही अपराह्न पर्यटन
पर्यंत तारीख समय रही अपेक्षा रे पुलिस पुणी थे किसी आल देखा ना सीडीआर रिपोर्ट और अप टू डेट केस फाइल को कोर्टे उपस्थापना करी कोर्टे उपस्थापना करस डायरी कोई कौन अच्छी कौ पर्यंत पुलिस तदंत कर तदंत कर पूरा घटना सामना को आसब तेणु अपेक्षा रे वास्तविक रे कोर्ट ए घटन आज पुलिस कौन रिपोर्ट कोर्ट का पाखे उपस्थापित करोर्ट पुणी थे घटना को नहीं कौन राय दौरान निश्चित भाव में रोशन सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे संदेह आज नुहे संदेह प्रथम रु ही होता है जितेबाद प्रफुल्ल विश्वाल मृत्यु है संदेह आउ टे दृढ़ीभूत होता फेरी परवर्त समय आलोचना करवा आम सहित अच्छा असित आम प्रतिनिधि असित आज पुलिस सीडिया रिपोर्ट दाखल कर पूर्वपरि मनमानी कर देखो चिन्मय पुलिस निहाती भाव आज जहाँ आम जहाँ खबर नहींचु पुलिस निश्चित भाव सीडीआर रिपोर्ट दाखल करी भी पुलिस चाषी सीडीआर रिपोर्ट दाखल न कले निश्चित भाव कोर्ट छाट बाजिबो निश्चित भाव कोर्ट जो आगु स्ट्रिक्टली भाव गोटे अर्डर कर जेएमसी कोर्ट मानवर जेएमसी को सीधा सड़क पुलिस को तांकर जो क्षुब्ध रखी परिवर्तन किसी ना किसी गोटे राय देवे बोली जहां आलोचना हो चिन्मय निश्चित भाव में असित समस्त नजर रहबो जे आज सीडीआर रिपोर्ट केते बेले दाखल होउची एवं कौन से रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि फेर भी परवर्त समय असित आप पाखक वर्तमान आम सहित जोड़ी होती रमाकांत बराल फोन जोगे जोड़ी होती श्रीजुक्त विश्वाल आलोचना को स्वागत जनवि कौन आशा रखी आज बास्तविक भाव में पुलिस सीडीआर रिपोर्ट दाखल कर ना पूर्वपरि मनमानी कर नहीं दाखल कर आईएससी मांग जानी थे कि आज कोर्ट जेहेतु से समय मांगी कोर्ट विचार कर 25 तारीख दिन अर्डर देते 29 से मत दाखल करने कोर्ट आम आशा अच्छे निश्चित भाव में दाखल करेंगे से केस सीडीआर टेलीफोन सीडीआर मागी जो तीन चार जन कर थाना साक्ष्य प्रदान करेस समस्त जहाँ जी तदंत कर समस्त नथिपत्र दस्तावेज कोर्ट दाखल करने निर्देश देते जेहेतु आम मैसे पूर्व दे सारी साक्ष पांच जन साक्ष सारी पुलिस आम जी खबर अच्छी पुलिस पाखे सीडीआर अलरेडी रही निश्चित भाव आज दाखल कर आशा रखुच निश्चित भाव में श्रीजुक्त बड़ार समस्त आशा जे पुलिस आज सीडीआर रिपोर्ट दाखल करूँ सत सामना को आसो परवर्त समय सहित आलोचना करी एवं खास करी समस्त नजर रही आज पुलिस सीडीआर रिपोर्ट दाखल करुच्ची ना नहीं बाबद आलोचना करवा कि समय छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत आपण देखुछंती न्यूज रूम लाइव एवं आमे आलोचना करूछु जे महांगा डबल मर्डर घटना रे आज कोर्ट को कंटेस्ट रुछि पुलिस आज सीडीआर रिपोर्ट दाखल करिवो कोर्ट रे ए बाबद रे आलोचना करूछु रोशन जोड़ी होछंती असित मध्ये हम प्रतिनिधि जोड़ी होछंती एवं मृतक कुलमणि बराल को पुअ रमाकांत बराल मध्ये हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होछंती रोशन को पाख को पुणी थे जावाई चाहिए रोशन जेहेतु आप जड़े क्राइम रिपोर्टर अनेक घटन आप जानते सीडीआर रिकॉर्ड कराए सीडीआर जांच कराए वास्तविक भाव में केत समय लगी था सीडीआर जांच आदि पुलिस प्रशासन पूर्व सीडीआर रिपोर्ट बा सीडीआर जांच कर कोर्ट जब निर्देश दे समय भितर पुलिस चाहते सीडीआर रिपोर्ट दाखल करता ना ना देखो पुलिस पाखे जथेष समय थिला कारण पूरा घटना रे आपण देखु घटना को पाखापाखि जनवरी बर्तमान जदि नवेम्बर देखिए पाखापाखि 10 मास रु ऊर्ध समय हो गला तेणु पुलिस पाखे जथेष समय थिला कारण ये घटना रे जिते प्रथम रु ही मंत्री ना एफआईआर अच्छी पुलिस एक आम सीडीआर रिपोर्ट जांच करूँ जेहेतु अभियुक्त मानक मंत्री सहित किसी लिंक नाला तेणु आम से मंत्री ना को एफआईआर काटिदेलु चार्जसीट्रु काटिदेलु बर्तमान आपत देखूँ जिते कोर्ट अर्डर कर कौन तदंत
କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ଦଶ ମାସ ଘଟିଗଲାଣି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ସାକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦାଖଲ କର କୋର୍ଟରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଥିଲା, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କର। ଯଦି ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଯଦି କଥା ହେଇଥିବେ ଘଟଣା ଦିନ କିମ୍ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଦିନ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ, ଏଇ ତିନି ଦିନ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା ହେଇଥିବେ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଏ ପୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯଦି ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ଦାଖଲ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର 18 କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, 25 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାର ଥିଲା ପୋଲିସ ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କେସ୍ ଡାଏରୀ, କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଅଛି ସେ ଦେଉନାହିଁ କାହିଁକି, ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ କଲେକ୍ଟ କରୁନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଛାଟ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଥିଲା ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ରହୁଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କଟାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେବା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯିବା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲା ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହା କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସେ କାହିଁକି ଫେରାର ହୋଇଥିଲା, ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଥିଲା, କେମିତି ତା'ର ସେଦିନ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଗଲା, ଏସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହୁଏତ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫେରାର ହେବା ପଛରେ କାହା ରୋଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଫେରାର ହେଲାବେଳେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ତା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏକଥା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ସେଇଦିନ ହିଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା, ଇଏ ନମ୍ବରଟି କାହାର, ସେ ନମ୍ବର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା, କେଉଁ ବାବଦରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି କିଛି କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଓଲଟି କହିଲା ଯେ ସିମ୍ଟି ହଜିଯାଇଛି। ଯଦି ସିମ୍ ହଜିଛି ତାହେଲେ ସିମ୍ ହଜିଲେ କ'ଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବନି, ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫେରିବି ରୋଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅସିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅସିତ, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଖାସ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଥିଲା ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ମାହାଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ଏ ବାବଦରେ ବା ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ସତ ବୋଲି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟର, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏସ୍ଡିପିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଖବର ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ କୁଆଁପାଳସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ବାସଭବନ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ପୁରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ପୋଲିସ ରହିଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅର୍ଡର୍ ଦେଲେ ଯେ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
दाखल करिया पाई तापर पुलिस आज पूरा देखंतु ए महांगा डबल मर्डर घटना रे आज समस्त पूरा ऑल ओडिसा रे देखंतु समस्त को नजर रहिछि महांगा पुलिस उपरे एवं सालेपुर जेएमसी कोर्ट उपरे देखंतु सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा चिन्ह हला आपण जेंति कहतले जो प्रफुल्ल विश्वाल जे मुख्य अभियुक्त थिला महांगा डबल मर्डर घटना रे तार जो संदेहजनक अवस्था रे मंत्रींकर संपर्क जो मालिकाना थिला मालिकाना रे थिबा जो स्टॉक गार्ड ता सामने रे प्रफुल्ल विश्वालंकर मृत्यु होइतला सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा होथि तांकर मोबाइल सुरक्षित थिला तांकर हेलमेट सुरक्षित थिला किंतु मोबाइल रो सिम गायब होइतला एटा गोटे कथा तापर को देखंतु जेतेले मृत्यु पूर्वरु जे मृतक कुलमणि बरालक पु रमाकांत बराल को मृत प्रफुल्ल विश्वाल फोन करथिला सीधा सळक कहितला फोन ने जे नना मो पिला माने आपन को लागिले मंत्री प्रताप जेना हमको फसाई देला बारंबार सबेठारो पुलिस जदि सटीक भाबरे तदंत करिथांता बोधे आज अभियुक्त पाखरे पहुंचिथांता किंतु पुलिस उपरे चाप रही जोथि पई कि पूरा घटना को चपाइबा पई पुलिस चेष्टा करुछि बहुत बहुत धन्यवाद असित आपनकर तमाम सूचना पई आम सहित तो रमाकांत बराल मध्ये अच्छे श्रीयुक्त बराल आपनको पई प्रश्न रहिबो जे जदि आज पुलिस इडिया रिपोर्ट दाखल करुछि कोन आपन आशा करबे जे प्रमाण सेथिरे थिबो अभियुक्त पाखरे कोर्ट अभियुक्त किए जानिबे ना वास्तविक भाव में सब तथ्य प्रमाण को नष्ट करा जाए किसी ब्लांक सीडीआर को सेठे पुलिस उपस्थापन कर कौन आशा रखिंट कारण एवं तो आम जहाँ प्रतिक्रिया नौलु असित कहते जे पूर्वथर मंत्री आसी निर्देश देते आईआईसी को जे आप जहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करते मत देखा आपन को लगुच प्रमाण से निश्चित प्रथम कथा आज सीडीआर दाखल पर नकल मागिबो निश्चित मान कोर्ट को नकल आला पर देख सठिक देखी ना से नंबर को कल जाए 100% कनफर्म अच्छु जे ए बापी विश्वाल मंत्री और शरद नायक और स्थानीय जिला परिषद सागर पूरा जोजोग प्रफुल्ल विश्वाल थे मो सागर जो नंबर में कथा होते जो नंबर मुझे महंगा थाना देखी गोटे स्टेशन डाइज करते से नंबर सी डी आर मागिले जदि देखिए कोर्ट डिपोजिट करते निश्चित आप देखिए आगे संपूर्ण घटना सत्य सत पदाक आस बिल्कुल समस्त आशा और विश्वास जे वर्तमान पुलिस तार ड्यूटी ठीक भाव में करू एवं सीडीआर रिपोर्ट दाखल करवा बेले समस्त तथ्य प्रमाण था एवं कोर्ट को हाथ में लगू कोर्ट सब रिपोर्ट को देखा पर अभियुक्त जीए उचित दंड दिंतु बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त बराल आम सहित जोड़ी फोन जोगे और आम सहित आलोचन सामिल हेले जहाँ प्रतिक्रिया रही अर्गस को रखुले कथा आसूँ जे वर्तमान समस्त राज्यवासी नजर जे पुलिस सीडीआर रिपोर्ट केत दाखल कर सीडीआर रिपोर्ट में कौन थी समस्त अच्छे वर्तमान न्यूज रूम लाइव को रखुचु नमस्कार।